अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केएनएन न्यूज़ लाइव के साथ मैं हूं कायनत मलिक और मैं नारा शहजादी। न्यूज़ बुलेटिन में खुश आमदीद। मुल्क भर में तालीमी अदारे खोले जाएं या बंद रखे जाएं, आज नेशनल कमांडर एंड ऑपरेशन सेंटर के खुसूसी इजलास में गौर किया जाएगा। रमजान मुबारक के लिए कोरोना एसओपीज का भी जायजा लिया जाएगा। सदर मुमलकत की ज़ेर-ए-सदारत गुज़िश्ता रोज भी उमाम शाही काम शावर्ती इजलास हुआ। सदर आरिफ अकबर ने कहा 20 निकाती इलामियां तमाम साजिद और इमाम बारगाहों में नाफिज करने की जरूरत है। सिंध हुकूमत ने हफ्ते में 2-3 सेफ डे करार दे दिए। जुमा और इतवार को सेफ डे के तहत तमाम कारोबार बंद होगा। सिंध हुकूमत और बैन सूबाई आमदरफ्त पर फौरी पाबंदी का भी मुतालबा कर दिया। सईद गनी कहते हैं पंजाब और हैब पख्तूनख्वा के साथ ट्रांसपोर्ट, रेल और फ्लाइट्स बंद की जाएं। इस्लामाबाद से बैन सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन के लिए बंद। मुलाकात करेंगे। दफ्तर खारजा में खुद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। रूसी वज़ीर खारजा का दौरा दोनों मालिक में ताल्लुकात के फ़रोग का हिस्सा है। अपोजिशन को मज़ीद दबाने की जरूरत नहीं, वो पहले ही दब चुकी है। अगले 2.5 साल कारकर्दगी के हैं जो अवाम को नजर आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की तर्जमानों के इजलास में गुफ्तगु। 2.5 साल कारकर्दगी को हुकूमत का बयानिया करार दे दिया। कहा टैक्स महसूलात ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौशी इशारे दुरुस्त सिमत है। करप्शन पर कम्प्रोमाइज नहीं होगा। मसनू करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। वफाकी कबीना में रद्दोबदल चंद रोज के लिए मोहर। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म चंद रोज बाद कबीना में रद्दोबदल का फैसला करेंगे। करीबी साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। कारकर्दगी न दिखाने वाले वफाकी वज़रा को तब्दील किया जाएगा। फखर इमाम, शिबली फराज, उमर अयूब, गुलाम सरवर खान की वज़ारतें तब्दील होने का इम्कान। तयशुदा फैसलों की खिलाफ वर्जी पर पीडीएम का पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस। नोटिस में कहा गया तय हुआ था चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी और डिप्टी चेयरमैन जेयूआई का होगा। अपोजिशन लीडर का ओहदा नून लीग को देने का फैसला किया गया था। पीपल्स पार्टी ने हुकूमती इत्तेहादी अरकान की हमायत से ब्लॉक बनाया। पीडीएम के इत्मीनान को ठेस पहुंचाने पर पीपल्स पार्टी 7 दिन में वजाहत दे। पीडीएम मजीद नहीं चलेगी, कोई और मजहबी तहरीक चले तो कुछ कह नहीं सकते। वफाकी वज़ीर दाखला शेख रशीद का बयान, बोले वज़ीर आज़म अपोजिशन की सूरत हाल से खुश हैं। असेंबलियां चल पड़ी हैं। हमजा और शहबाज वो जुबान इस्तेमाल नहीं करेंगे जो मरियम करती है। हुकूमत के लिए सिर्फ महंगाई का चैलेंज है जिस पर इमरान खान इस साल काबू पा लेंगे। इलेक्शन कमीशन की मुस्लिम लीग नून के अराकीन असेंबली को वार्निंग। राणा सनाउल्ला और अवैस लगाड़ी को हुशियार के दौरे से रोक दिया। नोटिस में कहा गया PP84 के जिम्नी इंतहाब की वजह से नून लीग की अराकीन असेंबली हुशियार का दौरा नहीं कर सकते। राणा सनाउल्ला और अवैस लगाड़ी ने आज हुशियार में कन्वेंशन में शरीक होना था। सस्ती पन बिजली महंगी हो गई। नेपरा पन बिजली के पैदावारी ट्रायफ में 56 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। इजाफे के बाद पन बिजली का टैरिफ 4 रुपए 11 पैसे फी यूनिट हो गया। पन बिजली के टैरिफ में इजाफे का बोझ फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में सार्फिन पर आएगा।
फिजाइया का कसीर मुल्की अस्क्री मश्क असिस्मेंट का मुआइना। एयर कमोड और एहसन यूसफ की मशकों की नुमाया खसूसियात पर ब्रीफिंग। नायब सरबराह पाक फिजाइया का मशकों में शरीक यूनिट्स की तैयारी पर इजहार इत्मीनान। कमांडर शाह अब्दुल अजीज एयरबेस और दीगर शख्सियात भी मौजूद थी। रमजान उल मुबारक में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिले के लिए 120 जारी। तर्जमान सऊदी वज़ारत हज उमरा के मुताबिक कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लेने वाले अफराद उमरा और नमाज अदा कर सकेंगे। पहली डोज को 14 रोज गुजर जाने वाले अफराद को भी इजाजत होगी। उमरा जायरीन और नमाजियों की तादाद कोरोना एसओपीज की पाबंदियों के साथ बढ़ाने का फैसला किया गया। अमेरिका का दुनिया भर में इस्तादे कोरोना वैक्सीन की फ्राहमी का मिशन। अमेरिकी सदर ने गाइल स्मिथ को मामले बराए तहफ़ुज़ वबाओ सेहत तैनात कर दिया। वजीर हारजा का कहना है कि दुनिया भर में तेज तरीन रफ्तार के साथ अमेरिकी वैक्सीन की फ्राहमी चाहते हैं और मिश्रा का दार मिलकर तलब के मुताबिक वैक्सीन की डोज तैयार करेंगे। अमेरिका का ईरान के साथ जोहरी मुआहदे में वापसी का मामला। अमेरिका ईरान बिलवास्ता मुज़ाकरात आज बयाना में होंगे। तर्जमान अमेरिकी खारजा के मुताबिक सूरत हाल मुश्किल। बिलवास्ता मुज़ाकरात में बड़े ब्रेक थ्रो का इम्कान नहीं। दरपेश मिसाइल की अहमियत से भी इनकार नहीं कर रहे। बरतानिया का रूस के खिलाफ यूक्रेन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि मौजूदा सूरत-ए-हाल काबिले मज़म्मत कैफ हुकूमत के साथ खड़े हैं। यूक्रेनी सदर को अपने मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है। व्लादिमीर प्यूटन के 2036 तक इक्तदार में रहने की राह हमवार। रूसी सदर प्यूटन ने इस कानून पर दस्तखत कर दिए जिसके तहत उन्हें 2024 में मुद्दत पूरी होने पर मज़ीद 2 बार सदारती इलेक्शन लड़ने की इजाजत होगी। रूस में सदारती मुद्दत पहले ही 4 से बढ़ाकर 6 साल की जा चुकी है। प्यूटन मज़ीद 2 बार सदारती इलेक्शन जीते तो इनकी दौर हुकूमत इस टाइम से ज्यादा हो जाएगी। फखर जमान को धोखे से इन आउट करने का मामला। मैच ऑफिशियल्स ने डी कॉक को क्लियर करार दे दिया। मैच ऑफिशियल्स का कहना है जनूबी अफ्रीका विकेट कीपर ने पाकिस्तानी बल्लेबाज को धोखा देने की कोशिश नहीं की। क्विंटन डी कॉक पर कोई जुर्माना नहीं होगा। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहें केएनएन न्यूज़ लाइव। हर खबर तहकीक के साथ।